फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडु केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर 5 बंदर का धंधा। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 हिंदी का चैप्टर 5, जिसका नाम है बंदर का धंधा। दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बंदर का धंधा। इसके कवि है नरेंद्र गोयल। दोस्तों, कवि का मतलब मैं आपको बता दूं, जिन्होंने ये कविता लिखी है। आज हम करने वाले हैं बंदर का धंधा कविता, और इसे हम अच्छी तरीके से हिंदी में समझेंगे। इजी कविता है, और वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसके कवि जो है उनका नाम है नरेंद्र गोयल। या आपको आ सकता है कि बंदर के धंधा के कवि कौन है, तो आप लिख देना नरेंद्र गोयल। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं बंदर का धंधा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। तो दोस्तों, क्या हुआ, हाथ लगा बंदर के एक दिन, मतलब बंदर जो है आप जानते ही होंगे, इंग्लिश में बोला जाए तो मंकी, उसे ही। इधर आप देख सकते हो, इधर बोर्ड पे लिखा है डॉक्टर बंदर, तो इससे आप गेस कर सकते हो कि जो बंदर है वो ये कविता में क्या रोल प्ले कर रहा है, डॉक्टर का, तो इससे आप जान सकते हो। तो बंदर जो है, आप टॉपिक का नाम भी देख सकते समझ सकते हो कि बंदर का धंधा बोला गया है, मतलब बंदर जो है अपना बिजनेस खोला है। किसका बिजनेस? डॉक्टर बनके। तो हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। तो दोस्तों, जो बंदर है उसके हाथ लग गया, हाथ लगना मतलब उसे मिल जाना। तो बंदर को क्या मिला? टूटा फूटा आला। टूटा फूटा मतलब एकदम टूटा फूटा मतलब खराब, टूटा फूटा जो रहता है, इधर से टूट गया, उधर से टूट गया, उधर से फूट गया, उसी तरह से खराब जो रहता है, मतलब बराबर नहीं, खराब जो आला। आला का मतलब मैं बता दूं, स्टेटोस्कोप जिसे कहते हैं हम लोग। आप देख सकते हो इधर बंदर की जो दोनों ईयर्स में है, मतलब दोनों कान में बंदर ने डाला है, जिससे हमारा डॉक्टर चेकअप करता है, स्टेटोस्कोप कहते हैं उसे इंग्लिश में, उसे ही हम आला कहते हैं। तो हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, मतलब बंदर को एक दिन क्या मिल गया था? टूटा फूटा आला, तो एकदम खराब टूटा फूटा उसको आला मिल गया था। आला मतलब स्टेटोस्कोप। आप इधर देख सकते हो बंदर के जो दोनों कान में लगा है, और जिससे बंदर चेकअप करेगा, सारे जो पेशेंट्स जो आएंगे उसके उधर उसको चेकअप करेगा, उसे स्टेटोस्कोप कहते हैं। दोनों ईयर्स में उसे लगाते हैं, इंग्लिश में उसे स्टेटोस्कोप कहते हैं, और उसे हिंदी में आला कहते हैं। दोस्तों, सो बंदर के जो हाथ लग गया, मतलब बंदर को मिला टूटा फूटा एकदम आला, उसे मिला आला मतलब स्टेटोस्कोप। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, मतलब बंदर ने उसे जैसे ही वो स्टेटोस्कोप मिला, मतलब जो उसे टूटा फूटा आला मिलते ही बंदर ने क्या किया, पेड़ के नीचे मतलब एक ट्री के नीचे उसने क्या किया, ट्री के अंडर नीचे उसने कुर्सी मेज मतलब चेयर और टेबल लगा लिया, ताकि वो डॉक्टर बन सके और डॉक्टर बन के पेशेंट्स को दवाई दे सके। इसके लिए उसने क्या किया, पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। कुर्सी मेज, कुर्सी मतलब चेयर, मेज मतलब दोस्तों टेबल। तो बंदर ने क्या किया, पेड़ के नीचे चेयर और टेबल, कुर्सी और मेज ला डाला, मतलब रख दिया और उस पर काम करना स्टार्ट किया। फिर जब बंदर ने कुर्सी मेज मतलब टेबल और चेयर लेकर बैठ गया उधर, तो भालू आया अभी। तो क्या किया भालू, वो देखते हैं। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। तो दोस्तों, अभी जो अभी बंदर को क्या मिला है, आला मिला है मतलब स्टेटोस्कोप, तो उसने लगाया, और कुर्सी और मेज मतलब टेबल और चेयर पर वो बैठ गया पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो डॉक्टर है, तो अभी स्टेटोस्कोप लगाया मीन्स डॉक्टर। तो फिर भालू उसके पास आया, फिर भालू आकर क्या कहा उससे कि मुझको खांसी और जुकाम, मतलब अभी बंदर के पास भालू आकर बोलता है कि मुझको है खांसी और जुकाम, मुझे खांसी और जुकाम है, वो ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? भालू बोलता है। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, मतलब बंदर ने क्या बोला, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, ऐसा उसने बोला। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, मतलब अभी क्या बोला कि जो भालू आकर बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है, जुकाम और खांसी, तो बंदर ने उसको बोला भालू को कि तुम जो तुलसी के जो पत्ते हैं
तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, ये दो बात आपको बहुत याद रखना है, क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे ही आएंगे, कि भालू मींस बंदर ने भालू को क्या दिया खांसी और जुकाम पर, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आपको लिखना है कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ को पानी में उबालना है, पानी में उबालना मतलब उन्हें बॉयल करना, पानी में बॉयल करना उन्हें, और सुबह शाम को लेना, मतलब एक सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, एक शाम के टाइम उन्हें लेने के लिए बोला। तो जो तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में उबालना है और उनका काढ़ा बनाना है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा तुलसी के पत्तों का काढ़ा, पीपल की जड़ का काढ़ा। इस तरह से हमें भी क्वेश्चन आंसर्स है, तो उसी तरह से आपको भी करना है। अगर आप अच्छे से पोएम समझोगे तो आप भी कर सकते हैं। तो उसने क्या बोला, क्या उसको क्या मीन्स पेशेंट को बोला उसने भालू को, कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में उबाल कर सुबह शाम इसे लेना। अब आगे देखते हैं, खांसी छू मंतर होए फीस तभी तुम देना, मतलब क्या बोला कि ये तुलसी के जो पत्ते और पीपल की जड़ तू पानी में उबाल कर सुबह शाम ले, फिर जब तेरी खांसी छू मंतर हो जाएगी फीस तभी मुझे तुम देना। फीस मतलब दोस्तों उसका जो चार्ज होता है, जैसे आप अभी स्कूल में जाते हो तो आपको फीस पे करना पड़ता है, कहीं भी पिकनिक में जाते हो तो पिकनिक की भी कोई फी होती है, तो उसी तरह से फी मतलब चार्ज। अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कभी आपको फीवर आता है तो आपको पैसा देना पड़ता है, कुछ चार्ज रहता है, तो उसे ही फी बोलते हैं दोस्तों। तो जो उसने उसे बोला कि जो तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को तू पानी में उबाल और सुबह शाम ले, फिर उसकी जो फिर उसने बोला जो तेरी खांसी जो है वो छू मंतर हो जाएगी। छू मंतर मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना। आपको कभी खांसी जुकाम आती है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, दवाइयाँ देता है, तो क्या हो जाता है आपकी जो खांसी है थोड़ी दिन, खांसी और जुकाम रहती है, फीवर रहता है, कुछ भी, वो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाती है आप मेडिसिन लेने के बाद। तो उसे ही छू मंत्र बोला है, ख़त्म हो जाना, रिकवर हो जाना आप, उसे छू मंत्र। तो जो तेरी खांसी है वो ख़त्म हो जाएगी, छू मंत्र हो जाएगी, फिर फीस तभी तुम देना, मतलब जब ही तू फीस मुझे देना, अगर जब तू ठीक हो जाएगा तो ही देना। अभी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको फीस ऑन द स्पॉट देना पड़ता है, पर इधर इसने बंदर ने क्या बोला कि जब तेरी खांसी छू मंत्र हो जाएगी तभी तू देना, ऐसा बोला है। अब बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। मतलब दोस्तों अभी क्या है, बिल्ली आ जाती है, जैसे डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो दूसरा आता है लाइन वाइज, उसी तरह से भालू अभी गया, भालू का हो गया, अभी बिल्ली आई। बिल्ली ने क्या बोला, मुझे आया 104 बुखार, 104 मतलब मैं इंग्लिश में बोलूं 104 फीवर है उसे, बुखार मतलब फीवर, फीवर आपको भी बहुत बार आता होगा, तो बुखार का मतलब फीवर इंग्लिश में बोला जाए तो। तो बिल्ली ने क्या बोला, बिल्ली मतलब कैट, तो बिल्ली ने बोला कि मुझे आया 104 बुखार, मुझे 104 फीवर आ चुका है, मैं शिकार पर कैसे जाऊं। मतलब अभी बिल्ली जो है वो हंट पर जाती है, शिकार मतलब हंट, अभी चूहे को हंट करती है, किसी को भी हंट करती है, तो उसी तरह से अब मैं शिकार कैसे करूं, कैसे शिकार पर मैं जाऊं, मुझे 104 बुखार है। दोस्तों अभी आपको फीवर आता है तो आप कभी स्कूल की भी हॉलीडे ले लेते हो, स्कूल पर भी नहीं जाते हो, क्योंकि आपको होगा नहीं ना फीवर में, उसी तरह से बिल्ली का भी यही हाल है। तो बिल्ली को भी 104 जो है बुखार आ चुका है, और बिल्ली बोल रही है ये जल्दी तू इसे उतार, मतलब इसे तू जल्दी ठीक कर दे मेडिसिन देके, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, मैं जा नहीं पाऊंगी शिकार पर कैसे जाऊं, इसे जल्दी तू उतार और मुझे जल्दी रिकवर कर दे, कुछ अच्छी मेडिसिन दे, ऐसा उसका कहना है दोस्तों। अब इधर साइड से देख लेते हैं, हम इधर साइड है, राइट हैंड साइड। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, मतलब दोस्तों बंदर, फिर बिल्ली को बंदर ने क्या बोला, बिल्ली को आया 104 बुखार, तो बंदर ने क्या बोला, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, मतलब उसे क्या बोला, फीवर आया तो रस गिलोय, गिलोय मतलब एक टाइप का पत्ता होता है जिसकी फोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो बंदर ने क्या बोला, रस गिलोय, तो एक पत्ता रहता है उसका, उसका जो रस रहता है वो बहुत ही फीवर के लिए काम आता है, एक्चुअली वो एकदम हर्बल के लिए मीन्स जड़ी बूटी के जैसा वर्क करता है, और ख़ासकर तो फीवर के लिए वो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों ये जो पोएम में बताए गए हैं, जो भी
कि खांसी जुकाम है तो पीपल की जड़ और तुलसी के पत्ते, ये सब झूठ नहीं है। खांसी जुकाम जो आने पर आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। कभी आपको फीवर आती है तो आप गिलोय का रस भी यूज़ कर सकते हो। ये एकदम रियल है, ऐसे कुछ नहीं है। जो होता है वो ही बताया गया है। अगर आपको कभी खांसी बुकाम आती है तो आप तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ का काढ़ा बनाकर ट्राई कर सकते हो। ये एक्चुअली है, इसे हर्बल के लिए यूज़ किया जाता है, ये झूठ नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, तो अभी जब बिल्ली को 104 बुखार आई है तो बंदर ने क्या बोल रहे हैं कि तू रस गिलोय का जो रस होता है वो 3 बार तू लेना, फिर कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना टीना। मतलब जब तू रस गिलोय का जब तू पिएगी तो गिलोय एक पत्ता है, मैं आपको अभी फोटो दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो जो बंदर बोला कि देखो जो 104 बुखार आई है तू रस लेना गिलोय का, तो जब तू गिलोय का रस लेगी तो तू 3 टाइम लेना उसे दिन में, फिर तू कल से ही डांस करेगी। मतलब तू कल से ही रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, फिर तू शिकार पर भी जा पाएगी, ईना मीना डांस करेगी, मतलब एकदम मस्त रहेगी, तेको कुछ नहीं होगा, तेरा फीवर भी जो है वो चला जाएगा और तू शिकार पर भी जाएगी। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं गिलोय का, मतलब गिलोय की पत्ते की जो इमेज है वो आप अच्छी तरीके से समझे, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है गिलोय का पत्ता, ये थोड़ा हार्ट के शेप में होता है और इसका जो रस रहता है दोस्तों वो एकदम हेल्पफुल रहता है जब हमें फीवर आती है। तो ये एकदम हर्ब के टाइम में, हर्बल जैसा, आयुर्वेदिक के जैसा यूज होता है और ये फीवर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, जैसे हमने अपने कविता में पढ़ा था दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी पत्ता दिखाया वो थोड़ा हार्ड शेप में, उसकी इधर बात हो रही है गिलोय, उसे ही कहा जाता है, उसका ही जो रस रहता है वो ही फीवर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और उससे ही फीवर कम होती है दोस्तों, एकदम आयुर्वेदिक जैसा यूज होता है। तो बंदर ने क्या बोला है, उसका रस लेने के लिए बोला है दिन में 3 टाइम, और फिर उसने बोला कि बिल्ली को कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना टीना, मतलब डीना, तो मतलब कल से ही तुम रिकवर हो जाओगी, ठीक हो जाओगी और वो तुम ले लेना, ऐसा बोला। फिर तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। मतलब दोस्तों जब ही लोमड़ी, अभी जैसे डॉक्टर के पास एक के बाद एक पेशेंट आते हैं, वैसे ही जब बिल्ली गई तो फिर लोमड़ी आई। लोमड़ी आकर क्या बोली दोस्तों, लोमड़ी बोली कि चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मतलब अभी लोमड़ी जो है वो उतनी अच्छी नहीं दिखती, तो उसको क्या बनना है, एकदम ब्यूटीफुल बनना है। तो उसने क्या बोला, मुझे चिकना और सुंदर, मतलब एकदम मुझे ब्यूटीफुल बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, मतलब मैं ही सबसे ब्यूटीफुल दिखूं, सबसे सुंदर दिखूं, ऐसी बूटी लाओ, मतलब तुम ऐसी बूटी मेरे लिए लाओ, मतलब जड़ी बूटी बोलते हैं उसे हर्ब बूटी, मतलब हर्ब, उसे ही ऐसी बूटी मेरे लिए, जड़ी बूटी मतलब मेरे लिए लाओ तुम, कि मुझे कुछ ऐसे जड़ी बूटी दो ताकि मैं सबसे सुंदर दिखूं, सबसे ब्यूटीफुल दिखूं, ऐसा लोमड़ी का कहना है। अभी बंदर का क्या कहना है वो देखते हैं। बंदर बोला, घी कुवार तुम दोनों समय लगाओ। मतलब बंदर ने अभी क्या बोला कि अगर तुम्हें सुंदर दिखना है और चिकना और सुंदर तुम्हें दिखना है और सबसे ब्यूटीफुल तुम्हें दिखना है तो तुम क्या करो, घी कुवार दोनों समय लगाओ, चिकना सुंदर चिकना चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। मतलब दोस्तों अभी क्या है कि बंदर ने बोला कि अगर तुम्हें सबसे ब्यूटीफुल और सबसे सुंदर दिखना है तो तुम क्या करो, बंदर बोला कि तुम घी कुवार दोनों समय अपने चेहरे पर लगाना, क्योंकि उससे अभी ब्यूटीफुल दिखना है तो चेहरे से ही ब्यूटीफुल दिखेंगे ना। तो इसीलिए बंदर ने क्या बोला कि जो घी कुवार आता है उसे तुम, घी कुवार मतलब एलोवेरा, आपको अभी मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा उसकी, क्योंकि आपको ये तो मालूम ही होगा गिलोय का मंस, गिलोय एकदम आपको नहीं मालूम है, इसीलिए मैं आपको बताया कि घी कुवार, तो आपको घी कुवार मैं बता दे रहा हूँ, एलोवेरा जो होता है उसे घी कुवार बोलते हैं, तो बहुत जन को मालूम ही होगा। तो बंदर ने क्या बोला, घी कुवार जो रहता है एलोवेरा, जो दोनों समय आप अपने चेहरे पर लगाना, फिर आपका जो चेहरा है वो चमकेगा कुंदन, मतलब एकदम कुंदन जैसा, डायमंड, डायमंड कैसे एकदम शाइन करता है
उसी तरह से आपका जो चेहरा है वो एकदम शाइन करेगा और सबसे ब्यूटीफुल दिखोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो घी कुंवर है, जो एलोवेरा, वो दोनों समय आपको अपने चेहरे पर लगाना पड़ेगा। ऐसा बंदर ने किसको बोला, लोमड़ी को बोला, क्योंकि लोमड़ी को अपना चेहरा जो है चिकना और सुंदर बनाना था और सबसे ब्यूटीफुल दिखना था, तो उसने बोला घी कुंवर लगाने के लिए दोनों समय, मतलब एलोवेरा। तो अभी दोस्तों फिर उसने क्या बोला, ये लगाना तुम, फिर तुम्हारा चेहरा जो है डायमंड जैसा शाइन करेगा, फीस मुझे दे जाओ, मतलब मेरा जो चार्ज है, मेरी जो फी है वो मुझे दे जाना। फी का मतलब मैंने आपको बताया चार्ज, जैसा आप स्कूल में जाते हो तो आपकी फ़ी होती है, उसी तरह से जो डॉक्टर अपना चार्ज करता है मनी, उसे ही फ़ी कहा जाता है। तो ये तुम लगाना, फिर तुम्हारा चेहरा जो है वो डायमंड जैसा शाइन करेगा, फिर तुम मुझे जो मेरी चार्ज, फिर मेरा चार्ज तुम दे जाओ, ऐसा बोला। फिर अभी दे जाओ, चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। मतलब दोस्तों अभी क्या बोला कि अभी एक ही बात, एक पेशेंस आने लगे, उसको फीस मिलने लगी, उसका जो धंधा जो है, उसका जो बिजनेस जो है, बंदर का धंधा जैसा पार्ट का नाम है, बिजनेस के ऊपर ही है, तो बंदर डॉक्टर बन गया। उसको टूटा फूटा जो आला स्टेटोस्कोप मिलने के बाद वो डॉक्टर बनने लगा, और वो जड़ी बूटियां अच्छी बंद, मतलब जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाता, और उसका जो धंधा था, बिजनेस था, तो बंदर ने धंधा किसका खोला था, डॉक्टर का। तो उसका डॉक्टर का जो धंधा था चल निकला, चल निकला मतलब कहीं चलना नहीं, अच्छा मतलब अच्छी कमाई होना, उसमें अच्छे से चलने लगना, पेशेंस आना, उसे ही उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चलने लगा, जैसे बिजनेस में बढ़ोतरी होना, वैसे ही उसे बोलते हैं चल निकलना। तो बंदर का जो धंधा था वो अच्छे से चलने लगा, उसके बाद एक के बाद एक पेशेंस आने लगे, उसको फी मिलने लगी, तो उसी तरह से उसका जो धंधा था वो अच्छे तरीके से चलने लगा। फिर अब वो धंधा जो अच्छा चल रहा है, तो अब वो क्या करता, मौज मनाता, मतलब मस्ती करता, खुश होता, और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वो हलाता। मतलब अभी पेशेंस को मेडिसिन, मतलब जड़ी बूटियाँ देनी रहती हैं, मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ मतलब मेडिसिन नहीं, हर्ब्स, मतलब बूटियाँ जो रहती हैं उसको जड़ी बूटियाँ कहते हैं, हर्ब्स, जिसे हम आयुर्वेदिक कहते हैं। तो वो अब वो जंगल से लाता, जंगल में हमें बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलते हैं, तो वो जंगल से लाता, बंदर कहाँ से लाता, जंगल से लाता, और वो मौज बनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाता, ताकि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनको दे सके, और वो जंगल से लाता, और वो अब खुश था, उसका धंधा जो है अच्छा चल रहा था। तो आज हमने सीखा बंदर का धंधा, कविता, इसके कवि हैं नरेंद्र गोयल, मैंने स्टार्टिंग में बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल अब्दुल एडुकेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।